देहरादून में नौकरी से निकाले गए 108 कर्मचारी पिछले 29 दिनों से क्रमिक अनशन पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मंगलवार को 108 कर्मचारियों के धरना स्थल पहुंचे। यहां पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह यहां पर मिलने पहुंचे 108 के कर्मचारियों से। नौकरी से 108 के कर्मचारी निकाले गए हैं, जिस कारण बर्खास्त हुए कर्मचारियों में रोष देखा जा सकता है मौजूदा सरकार के खिलाफ। आके हमारे कर्मी और खुशियों की सवारी के जो हमारे साथी हैं, उन्हें लगभग 29 दिन यहाँ पर धरना देते हुए हो गया है, लेकिन 29 दिनों में सरकार द्वारा कोई इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया है। और आज हमारे ये साथी जो है सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। आज हमारा कांग्रेस का पूरी तरीके से समर्थन उन साथियों के साथ है। 11 साल से जो लगातार अपनी सेवाएं 108 खुशियों की सवारी के माध्यम से इस प्रदेश को देते रहे, और मैं कह सकता हूं कि बेहतरीन सेवाएं उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में दी, और एकाएक सरकार द्वारा उनको अलग करने का जो निर्णय लिया गया, इस परिप्रेक्ष्य में हमने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि इस तरीके से जो रोजगार जिनको था उसको रोजगार विहीन करने का काम हुआ है, इस पर सरकार पुनर्विचार करे।